विपक्षी पार्टियों के नेता जो हैं राष्ट्रपति से आज मिलकर आए हैं, उनको उन्होंने एक मेमोरेंडम, एक रेजोल्यूशन दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति कोविंद जो ये एग्रीकल्चर बिल्स पास हुए हैं उसके ऊपर अपना असेंट, अपना हस्ताक्षर ना दें और बिल को एक बार फिर से वापस जो है वो हाउस में भेजा जाए ताकि उसके ऊपर पुनः चर्चा हो और उसके बाद जो है उसको फिर से पास कराया जाए दोनों हाउसेस के अंदर। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं विपक्ष जो है ये नज़र आ रहा है कि वो संसद से लेकर सड़क तक ये लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे तमाम जितनी बड़ी पार्टियाँ हैं उनके नेता यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर आए, यहाँ पर राष्ट्रपति को मिले हैं और उसके बाद अपनी बात रख कर अब यहाँ से जा रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद जो हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, वो अंदर गए थे राष्ट्रपति कोविंद से मिले और उसके बाद उन्होंने वो ज्ञापन, वो मेमोरेंडम जो है राष्ट्रपति को दिया जिसके ऊपर 15 पार्टीज के हस्ताक्षर हैं। और यहाँ से आप देखिए काफ़ला बढ़ता हुआ, ज़रा कोशिश करते हैं अगर वो कुछ बोल जाए। आप जो है देखे आए, आप यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो है उन्होंने मीडिया को एड्रेस किया, उसमें उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रपति को ये रिक्वेस्ट करके आए हैं कि जो बिल है उनको वापस भेजा जाए। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर बिल्स के ऊपर, जो कृषि बिल है उसके ऊपर सियासत और तेज़ होती जा रही है। पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक अलग अलग विपक्षी पार्टियों ने प्रदर्शन की, धरने की कॉल्स दी हैं। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,